mark the celebration of the Golden Jubilee of statehood, state government announced 51 events. In the series of celebration, historic mall got adorned with numerous wall paintings depicting Himachal culture. It is unfortunate that no experience criteria was set for allotting the work to their artists before handing over the historic mall. Paintings like Kinori couple, Dev themes and Himachali woman can be seen on the contrary to the claimed theme allotted by the state government, which is the religious theme. Here is an exclusive report by Crazy News India. स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया जा रहा है स्टेटहुड के उपलक्ष्य में, उसमें वॉल पेंटिंग्स हर डिस्ट्रिक्ट में की गई हैं। इसमें एक कमेटी का गठन किया गया है सरकार के स्तर से। उस कमेटी में हर डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बेसिकली उस कमेटी को हेड कर रहे हैं, चेयरपर्सन हैं, और जो DLO हैं भाषा एवं संस्कृति विभाग से, वो उसके मेंबर सेक्रेटरी हैं उस कमेटी के। तो ये सारा जो प्रदेश में कार्यक्रम चलाया जा रहा है, बेसिकली हर स्कूल ऑफ डिफरेंट स्कूल ऑफ पेंटिंग्स हैं हमारे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, तो उनकी भी एक तरह से प्रमोशन है, और जितने कलाकार इस कला से जुड़े हैं, विधाओं से जुड़े हैं, इनकी भी एक तरह से प्रमोशन का एक अच्छा मौका है, और हिमाचल को एक अच्छा हम शोकेस करें यहाँ आने वाले टूरिस्ट के लिए, यहाँ के नागरिकों में एक प्रसन्नता और एक फेस्टिविटी का माहौल हो, इस उद्देश्य के साथ ये काम स्टार्ट किया गया है। और जहाँ तक इसके खर्चे की बात है कि कितना खर्चा हुआ होगा हर डिस्ट्रिक्ट में, तो बेसिकली हर जिला के जिलाधीश जो महोदय हैं वही इस पे ज़्यादा अच्छा कमेंट कर पाएंगे, क्योंकि ये सारा जो प्रबंधन है वो जिलाधीश महोदय के माध्यम से ही हो रहा है। इसमें भाषा एवं संस्कृति विभाग बेसिकली जो ह्यूमन रिसोर्स है वो प्रोवाइड कराने में हेल्प कर रहा है। बेसिकली हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है हिमाचल का पेंटिंग्स, वॉल पेंटिंग्स हमने देखी है, तो इसके बारे में हमने टेंडर्स कैसे कॉल किए थे, क्राइटेरिया क्या था इसका? बेसिकली गवर्नमेंट ने हमें डायरेक्शन दिए थे कि जो 50 ईयर्स ऑफ स्टेटहुड का जो सेलिब्रेशन है, उसमें ये कहा गया था कि जो सभी डिस्ट्रिक्ट में और सब डिविजन और तहसील वगैरह में वॉल पेंटिंग्स करवानी है। तो इसमें हमने पहले जो है वो आपका फाइन आर्ट्स कॉलेज से बात करी थी, पर उन्होंने उनके कुछ अपने रिजर्वेशन थे, तो शायद उन्होंने मना कर दिया। फिर उसके बाद हमने टेंडर्स किए इसके, और टेंडर्स में हमने क्राइटेरिया ये रखा था, क्योंकि एक ये वॉल पेंटिंग का जॉब था बेसिकली, तो इसमें हमने पर स्क्वायर फिट जो है वो रेट रखे थे पेंटिंग के लिए, और उसी हिसाब से म्यूरल के लिए भी पर स्क्वायर फिट रेट रखे थे। टेंडर हुआ था, इसमें 3 पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया था, जिसका लोएस्ट जिसका आया हमने उसको ये काम अवार्ड किया है। सर, ये टेंडर कहाँ पे पब्लिश हुए थे? ये टेंडर हमारे ऑफिस में पब्लिश हुए थे, और सभी जहाँ पे भी जो ये पब्लिक नोटिस बोर्ड वगैरह है वहाँ पे सब जगह लगाया गया था इसको। राइट सर, तो सर इस पे कितना इन्वेस्टमेंट हो गया है? इसमें जो है हमारा कुछ 8,80,000 के आसपास खर्चा आ रहा है इसमें। एंड एस्थेटिकली सर, इसमें कोई क्राइटेरिया था कि आप इतने एक्सपीरियंस बच्चे रखेंगे या इतना टाइम का होना चाहिए आर्टिस्ट के पास? नहीं, एक्चुअली जो टेंडर का जो क्राइटेरिया था वो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि वो पर स्क्वायर फीट जो रेट है उसके हिसाब से वही क्राइटेरिया था उसमें। जैसे थैंक यू। प्लीज आदित्य सिंह, और आदित्य सिंह और मेरे साथ जमुना गुरु, हम ये पेंटिंग्स कर रहे हैं। सर, ये पेंटिंग्स के बारे में आप बताएंगे क्यों बनाई जा रही है, क्या है इनका? हिमाचल के 50 ईयर्स कंप्लीट होने पे ये हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है ये काम, शिमला में भी हो रहा है, शिमला में भी काम कर रहे हैं। तो थीम क्या रही है इसकी? थीम मेनली हिमाचल कल्चर के ऊपर है। हिमाचल कुछ भी बना, मतलब ऐसा कोई एग्जैक्ट थीम नहीं था, डेवलपमेंट पे दिखा सकते हैं हिमाचल कल्चर। सर, आपको ये कैसे पता चला कि यहाँ पे ये पेंटिंग्स का ऐसा कुछ हो रहा है, ये बनाई जाएंगी? तो मैं रेगुलर में पेंटिंग करता हूँ, तो ये चीज़ें अगर कुछ ऐसा कुछ हो तो पता चल ही जाता है शिमला में तो सबको। तो टेंडर्स वगैरह के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई थी? बहुत पहले, ये तो अक्टूबर से हो रहा था जी। अक्टूबर से सबको पता ही था, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है ये, एक डिस्ट्रिक्ट में 4 तहसील्स में हो रहा है जी। जैसे मंडी में भी मेरा फ्रेंड है, वो आया हुआ था आज यहाँ शिमला, तो मंडी में उसने किया। ऊना में भी मेरा क्लासमेट है जो ऊना में, उसने किया है। कुल्लू में मेरा दोस्त फ्रेंड है, वो शोभी शिमला से, कुल्लू में उसने किया। चंबा में भी है एक मेरा फ्रेंड, चंबा में उसने किया। सारी जगह मतलब क्लासमेट्स मेरे, तो सब पता तो शुरू से था कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मैंने शिमला में था, तो शिमला को मैंने किया था जी। तो सर, इसके लिए जो बजट अलॉट हुआ है आपके हिसाब से वो काफ़ी है? हर स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट में यही रेट्स है, जो 270 रुपीज़ स्क्वायर फीट, 280
यही है, मतलब जो पहले शिमला में हो रहा था वो बहुत कम में हो रहा था, तो उतने में तो हम कर नहीं सकते थे, फिर वो काम भी बहुत मतलब सिंपल टाइप का था, तो इसलिए फिर वो कैंसिल हो गया, फिर हमने शुरू किया। जो टाउन हॉल के सामने वाला है वो पेंटिंग, वो आपका नहीं है? टाउन हॉल कौन सा? खादी भंडार के ऑपोजिट? नहीं, वो हमारी नहीं है। तो सर उसके बारे में एस्थेटिकली एज एन आर्टिस्ट आपका क्या ओपिनियन है, वो कैसा है? अब रेट कम था तो काम भी वैसा ही होगा जिसने किया, एक दिन से अगर ऊपर वो लगाएंगे तो वो रेट पे तो हो नहीं सकता है काम, उस रेट पे हम भी नहीं कर सकते थे, कलर का ही नहीं निकलेगा काम। लेकिन वो इस टाइप का काम नहीं होना चाहिए वहाँ रोड पे, बिल्कुल ही आर्ट का अगर देखा जाए वो तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है वो। अगर देखिए कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है संस्कृति के नाम पर वो खिलवाड़ हुआ है, हिमाचली संस्कृति दिखाने के नाम पर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खिलवाड़ क्यों हुआ है, पेंटिंग बनाई है वो तो चलो, वो तो अब जिस टाइप के आर्टिस्ट होंगे जो बजट होगा उस हिसाब से होगा। पर एप्रोप्रिएट है आपके हिसाब से वो हिस्टोरिक माल पे बनने के लिए? नहीं, उस लिए तो नहीं थी वो, पहले जिन्होंने बनाया उनका पोर्टफोलियो वगैरह देखना चाहिए था, उन्होंने क्या काम पहले किया है, किस टाइप का काम है, कैसे लेआउट्स है, उस अकॉर्डिंगली मतलब काम होना चाहिए। थैंक यू। हाय, मेरा नाम धर्मेंद्र ठाकुर है, और ये जो जो पेंटिंग्स यहाँ पे बनी है मार्केट पे, मैं इनके बारे में सिर्फ एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि पॉसिबिलिटीज़ थी कि ये बहुत अच्छा हो सकता था अगर किसी अच्छे आर्टिस्ट के अंदर ये काम होता, मतलब इसमें काफ़ी टेक्निकली काफ़ी गलतियाँ हैं, और जिस हिसाब से मुझे सुनने में आ रहा है कि काफ़ी इसमें इन्वेस्टमेंट हुई है उनको बनाने में, तो उस हिसाब से तो ये काम उस मॉडल का नहीं लग रहा है, और अच्छा हो सकता था। बाकी ठीक है, उन्होंने मेहनत की, दैट्स गुड, बट पॉसिबिलिटीज़ थी। जहाँ तक मुझे लग रहा है मैसेज बिल्कुल ही रॉन्ग जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे शिमला है गॉथिक स्टाइल से, यहाँ पे गेटी थिएटर बना है और काफ़ी फॉरनर लोग आते हैं यहाँ पे, स्पेशली यूरोप से, और जब यूरोप से फॉरनर आते हैं तो यूरोप का गढ़ है कास्ट का, तो जब यहाँ पे ये काम दिखेंगे तो कहीं ना कहीं एक मैसेज खराब ही जा रहा है। सॉरी टू से तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, एस्थेटिक वैल्यू की अगर हम बात करें, स्टेटहुड डे के लिए इतनी सारी पेंटिंग्स यहाँ पे बनाई गई हैं जिसके लिए काफ़ी पैसा दिया गया है, तो क्वालिटी वाइज या एस्थेटिक उस पर आप कितना इसको वैलिड मानते हैं? देखिए मुझे ये लगता है ये ठीक है कि हम स्वर्णिम 50 वर्ष मना रहे हैं, लेकिन जिस ढंग से इन कार्यक्रमों में पैसा खर्च किया जा रहा है बिल्कुल गलत है। एक तरफ हिमाचल प्रदेश में विकास के काम सारे बंद चले और हिमाचल प्रदेश पर बराबर कर्जा बढ़ रहा है, 60,000 करोड़ से ज़्यादा हम कर्जा ले चुके हैं, मुझे लगता नहीं कि इस तरह की सेलिब्रेशन पे इस तरह का पैसा खर्च होना चाहिए, और पूरे प्रदेश में इस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने होर्डिंग बनाई उसका कोई मतलब नहीं है, अंधाधुंध पैसा खर्चा जा रहा है। और माल रोड जो हेरिटेज जोन के अंतर्गत आता है वहाँ भी सारी जगह पर होर्डिंग कर रहे हैं, लगता है कि इस तरह का जो फजूल खर्च है इससे जनता पे अनावश्यक रूप से भार पड़ रहा है। जब इनके 3 वर्ष पूरे हुए उस वक्त भी इन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग लगा के जो 3 वर्ष के काम थे उनके लिए महिमा मंडन का इन्होंने प्रयास किया। कहना चाहता हूँ कि अगर तरक्की की इबारत आपने लिखनी हो तो लोगों के दिल पे लिखिए, आप दीवारों पे मत लिखिए, तो फजूल खर्चिए अनावश्यक रूप से खर्चे बंद होने चाहिए। सर ये जो पेंटिंग्स हैं इनके माध्यम से इन्होंने हिमाचली कल्चर दिखाने की कोशिश की है, तो ये आपको लग रहा है ये हिमाचली कल्चर रिफ्लेक्ट हो पाया इन पेंटिंग्स से? तो मुझे लगता नहीं, जिस ढंग से मैंने स्वयं भी देखी है मुझे लगता नहीं हिमाचल के कल्चर को आपको हाईलाइट करना है, अच्छी बात है हम भी चाहते हैं, तो आप जाके गाँव में कीजिए ना, खाली दीवारों पे लगाने से तो कुछ नहीं होने का, तो मुझे लगता है कि सरकार की जो ये कवायद है इसका जो है कोई फायदा नहीं। थैंक यू सर।